दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अपने सेफ्टी मित्र चैनल पे, जहां दोस्तों नो कॉपी पेस्ट, नो टाइम वेस्ट, लेकिन दोस्तों कोशिश करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन देने की बेस्ट। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं ऐसे 10 टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग बताऊंगा जो आपको सेफ्टी फील्ड में जॉब करने में भी आसानी होगा, और साथ में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू पास करना भी आसान होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सेफ्टी ट्रेनिंग विथ एग्जाम्पल। तो पहला जो है दोस्तों सेफ्टी ट्रेनिंग, वो होता है ऑनलाइन टाइप का। ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आप मान लो फायर इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया हो या उसका सर्टिफिकेट लिया हो ऑनलाइन में, या आपने कोविड-19 का सर्टिफिकेट लिया हो, जी एक तरह का ऑनलाइन सेफ्टी ट्रेनिंग हो गया। फिर उसका सेकंड की बात करूँ दोस्तों, तो एक जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग। तो जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, वो ट्रेनिंग होता है जो बंदा उस काम में इन्वॉल्व हो, जैसे वेल्डर होगा तो वेल्डर सेफ्टी हो गया। फिर उसके बाद जो बंदा केमिकल हैंडलिंग करने वाला हो, जैसे कि कोई इंसान शॉप कीपर, स्टोर कीपर हो केमिकल स्टोर का। फिर उसके बाद कोई बंदा अगर ऑफशोर में काम करने वाला तो बोसिड, उसके पास सेफ्टी ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई बंदा मान लो कन्फाइन स्पेस में काम करने वाला तो उसके पास कन्फाइन स्पेस एंट्री वाला ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, जॉब स्पेसिफिक। सबको नहीं देंगे, जो उस काम में इन्वॉल्व उसको देते हैं, उसको कहते हैं जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग। थर्ड जो दोस्तों वो है इन हाउस ट्रेनिंग। तो दोस्तों इन हाउस ट्रेनिंग किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो भी आपको दिख रहा कोविड-19 होगा या कन्फाइन स्पेस या जो भी ट्रेनिंग खुद की कंपनी का बंदा देता है या कोई डिपार्टमेंट देता है उसे कहते हैं इन हाउस ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अगर ट्रेनिंग दिया हो तो। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो ट्रेनिंग है वो हमारा है फोर्थ, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग दोस्तों। तो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे ये जो ट्रेनिंग दिया हुआ है, ये सब जो ट्रेनिंग है दोस्तों सेफ्टी डिपार्टमेंट या इन हाउस के बजाय ये ट्रेनिंग थर्ड पार्टी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट देता हो उसे कहते हैं थर्ड पार्टी सेफ्टी ट्रेनिंग। जैसे आप कन्फाइन स्पेस का भी कर सकते हैं, फायर वार्डन का भी कर सकते हैं, बहुत सारी तरह की थर्ड पार्टी सेफ्टी ट्रेनिंग होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग गवर्नमेंट। दोस्तों ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख लिया अप्रूव्ड हॉस्पिटल, जैसे आप फर्स्ट एड कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी कौन सा होना चाहिए दोस्तों, अप्रूव्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये एक तरह का सेफ्टी ट्रेनिंग हो गया, तो फर्स्ट एड होगा फॉर एग्जांपल इसका। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो है दोस्तों थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंटरनेशनल दोस्तों। तो इसका जो ऐसा सर्टिफिकेट जिसके करने के बाद आप वर्ल्ड वाइड में काम कर सकते हैं एज ऑथराइज, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर हो गए। फिर उसके बाद सोच लो ISO 45001 लीड ऑडिटर आपने इंटरनेशनल लेवल पे किया आपने, तो कहीं पे भी ऑडिट काम कर सकते हो। लेकिन हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ISO 45001 लीड ऑडिटर जॉब करना है एज ऑडिटर, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट का भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आपको DG फासली से सर्टिफाइड ऑडिटर का सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने के बाद। ये हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जो अगला ट्रेनिंग है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, ये जितनी भी ट्रेनिंग आपने देखा, फॉर एग्जांपल एक मान लो फायर वार्डन हो गया या फर्स्ट एड हो गया, या इनमें से कोई भी सेफ्टी ट्रेनिंग की एक वैलिडिटी होती है, जैसे साल, दो साल, तीन साल या जो भी वैलिडिटी हुई, उस वैलिडिटी कब खत्म होगी, जब हम ट्रेनिंग जो दोबारा लेंगे उसे कहते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग दोस्तों। फिर उसके बाद अगला जो है दोस्तों हमारा है सेफ्टी इंडक्शन। तो सेफ्टी इंडक्शन वो हो गया दोस्तों दो तरह का, एक तो न्यू एम्प्लॉई हो गया जब कंपनी ज्वाइन करता है तो वो हो गया, फिर उसके बाद सेफ्टी इंडक्शन दूसरा जो हो गया वो हो गया हमारा विजिटर के लिए। विजिटर के लिए भी और न्यू एम्प्लॉई के लिए फ़र्क इतना है, क्योंकि विजिटर को आप स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं कहाँ, कब, कहाँ, कैसे जाना, उस एरिया का आप सेफ्टी इंडक्शन देते हो, और न्यू एम्प्लॉई जो होता है वो पूरा आपको देना पड़ता है जो आपकी कंपनी है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो है दोस्तों अवेयरनेस ट्रेनिंग हो गया। अवेयरनेस ट्रेनिंग क्या होगा, अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत सारी तरह का हो गया, मान लो आप रिस्क असेसमेंट का अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर उसके बाद आप चाहे तो HSE पॉलिसी का अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर उसके बाद आप एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया साइट पर उसकी अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे हो, या फिर उसके बाद आप इन्वायरमेंट एस्पेक्ट या इम्पैक्ट की अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे हो, या बहुत सारी टाइप की ऐसी अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इनमें से आपके पास कितने सारे सर्टिफिकेशन है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।